करेंगे ढाबा स्टाइल चटपटी आलू मेथी और उसमें एक सीक्रेट चीज डालेंगे जो मैं आपको वीडियो के बीच में दिखाऊंगी। उसके लिए आपको वीडियो पूरा देखना होगा। तो चलिए आलू मेथी बनाने के लिए हमें क्या क्या चाहिए वो हम देख लेते हैं। मैंने लिए है 250 ग्राम मेथी जिसको इस तरह से बिल्कुल बारीक कट कर लिया है, एक आलू जिसके छोटे छोटे पीसेस कर लिए हैं, प्याज, सूखी लाल मिर्ची, लहसुन, नमक, जीरा, हींग और वो जो सीक्रेट चीज है वो आपको वीडियो के बीच में दिखाऊंगी। चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। सब्जी बनाने के लिए मैंने ली है एक कढ़ाई। कढ़ाई में डालेंगे 2 से 3 चम्मच तेल। तेल गरम हो गया है, अब डाल देंगे जीरा, हींग, प्याज, लहसुन। सब्जी के लिए जब हम प्याज फ्राई करते हैं उसी के साथ अगर नमक डालते हैं तो वो जल्दी फ्राई हो जाता है और सब्जी की टेस्ट भी बहुत अच्छी आती है, इसलिए मैंने डाल दिया है टेस्ट अनुसार नमक। 3 सूखी लाल मिर्च, आपके टेस्ट के अनुसार कम ज्यादा कर सकते हो। हम बहुत बार सोचते हैं कि हम बहुत मेहनत करके घर पे जो सब्जियां बनाते हैं उसकी टेस्ट और होटल की टेस्ट अलग क्यों होती है। उसके लिए बिल्कुल छोटी छोटी ट्रिक्स होती है, ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं होती। प्याज अच्छा फ्राई हो गया है, अब डाल देंगे आलू। आलू मेथी में आप उबला हुआ आलू भी यूज कर सकते हो। इसी के साथ डाल देंगे थोड़ा सा पानी और थोड़ा 2 मिनट तक ढक के रख देंगे। मैंने गैस फ्लेम बिल्कुल लो कर दी है। मैंने इसमें पानी इसलिए डाला है क्योंकि मैंने आलू उबाले नहीं है। आप लो फ्लेम पे 3 से 4 मिनट हो गए हैं। हम आलू को चेक कर लेंगे। बिल्कुल परफेक्ट आलू पक्के तैयार हो गए हैं। अब हम डाल देंगे मेथी, सारी चीजों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब हम गैस फ्लेम हाई कर देंगे। अब हम डालेंगे सीक्रेट चीज जो है आमचूर पाउडर। मैंने लिया है 1/2 चम्मच आमचूर पाउडर। इससे मेथी बिल्कुल चटपटी बनके तैयार हो जाएगी, बिल्कुल ढाबा स्टाइल आलू मेथी हमारी तैयार होगी। अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मेथी को वैसे भी ज्यादा पकाने की जरूरत नहीं होती। हम सिर्फ 1 मिनट के लिए हाई फ्लेम पे इसको ढक देंगे। 1 मिनट हो गया है, बिल्कुल ढाबा स्टाइल आलू मेथी बनके तैयार हुई है। आप इसमें थोड़ा सा हल्दी पाउडर भी डाल सकते हो। अब हम गैस फ्लेम ऑफ कर देंगे और करेंगे सर्व। ढाबा स्टाइल चटपटी आलू मेथी तैयार हो गई है। आपको अगर ये रेसिपी अच्छी लगी तो आपके फ्रेंड्स के साथ और फैमिली के साथ जरूर शेयर कीजिए। थैंक यू।